आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन सीरीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से आपके कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। सो देखो, इन्होंने इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट एंड बेसिकली इलेक्ट्रॉन आपके क्या है, प्रिसाइज हाइड्राइड्स के बारे में पूछा गया, राइट। सो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हाइड्राइड्स फाइव, और मेरे पास आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, एंड देन हमारे पास क्या है, एक आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, राइट। सो देखो वन बाय वन समझते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड की बात करती हूँ, सो देखो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स बेसिकली ऐसी टाइप ऑफ हाइड्राइड्स होते हैं जिसमें मेरे पास क्या होते हैं, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपके पास क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, राइट, वो आपके क्या होंगे, आर मोर होंगे देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बेसिकली आपके रिक्वायर्ड है टू मेक द ऑक्टेट, राइट, जो आपके रिक्वायर्ड है बेसिकली टू मेक द ऑक्टेट, सो उसे हम इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड कहेंगे। इसमें एग्जांपल आ सकते हैं कि देखो जो हमारे पास जितने भी ग्रुप 15 के होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड होते हैं, जैसे कि अमोनिया ले लो आप, राइट। सो ये इलेक्ट्रॉन रिच है बिकॉज इसमें नाइट्रोजन के पास क्या लोन पेयर है, राइट। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा है, राइट, क्लियर। अब यहीं पर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड की बात करती हूँ, तो इनके पास क्या होता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ आपके क्या होते हैं, आपके कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, एग्जैक्ट नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपके क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं विद हाइड्रोजन, जितने हमारे पास क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही आपके बॉन्ड्स जो होते हैं जब फॉर्म हो जाते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो उसे हम इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स कहते हैं, भाई। अब यहीं पर अगर मैं बात करती हूँ कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हाइड्राइड्स, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हाइड्राइड्स बेसिकली वो हाइड्राइड्स होती हैं जिनमें सेंट्रल एटम के पास क्या होती हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, राइट, जो सेंट्रल एटम के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो। एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि ग्रुप 13 की बोरोन हाइड्राइड जो होती है वो आपकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होती है। यहीं पर देखो प्रिसाइज में आपके पास जितनी भी ग्रुप, सॉरी BH3 आपका ग्रुप 13 से होता है, राइट, सॉरी, और यहीं पर ग्रुप 14 की जितनी होती है वो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड होती है, लाइक CH4 हो गया, राइट, क्लियर। और इनकी ज्योमेट्री भी क्या होती है, रेगुलर टेट्राहेड्रल होती है, क्लियर। सो यहाँ से आंसर होगा, देखो इलेक्ट्रॉन 15 की तो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, सो ये तो फॉल्स हो गया, और ग्रुप 14 की इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होती है, सो ये ट्रू है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रीज होती है ये भी ट्रू है, और इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स कैरेक्टर्स लुईस एसिड, सो ये फॉल्स है। देखो जितनी भी इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स होते हैं जैसे अमोनिया, वो लुईस बेसिस होते हैं, नॉट एसिड्स, राइट, इसलिए ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।